दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीत के बावजूद कप्तान रोहित ने पांचवें टेस्ट मैच के लिए बदल दी पूरी प्लेइंग 11 का रंग रूप। एक ऐसे खूंखार खिलाड़ियों की कराई टीम में वापसी, जिसे देखकर तो इंग्लैंड के पसीने छूटने अभी से शुरू हो गए। तो आखिर रोहित ने किस ऐसे खिलाड़ी की कराई है टीम में वापसी जो इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? रोहित ने किस खिलाड़ी को किया है प्लेइंग 11 से बाहर? पांचवें टेस्ट मैच के लिए कैसी दिख रही है टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया इंग्लैंड पर पूरी तरह से हावी है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है। तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। इंग्लैंड टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसको टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 55 रन बनाए, तो वहीं सब जायसवाल ने 37 रन जोड़कर हमें योगदान दिया। वहीं शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी खेली, तो वहीं ध्रुव जुरेल ने भी 39 रन बनाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। टीम इंडिया की जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा। भारतीय खेमा भी बेहद खुश था। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला 7 मार्च को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने अभी से पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी। बीसीसीआई ने पांचवे टेस्ट मैच के लिए पूरी प्लेइंग 11 को बदलकर नई प्लेइंग 11 भी तैयार कर ली। आपको बता दें, इस टेस्ट मैच में लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे ऋषभ पंत की रोहित शर्मा ने वापसी कराई है, तो वहीं रजत पाटीदार को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, पांचवे टेस्ट मैच में कैसी नजर आ रही है टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11। रोहित ने ओपनिंग करने की जिम्मेदारी अपने और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर रखी है। इन दोनों की जोड़ी हर टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही है। यही दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है, इसीलिए एक बार फिर से इन दोनों खिलाड़ियों पर अहम जिम्मेदारी होने वाली है। वही नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पांचवे टेस्ट मैच में लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं रोहित ने रजत पाटीदार को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रजत पाटीदार ने चौथे टेस्ट मैच में बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया था। उन्होंने दोनों पारियों में अपना खाता तक नहीं खोल पाया, जिसके लिए रोहित ने उनको बाहर का रास्ता दिखाकर ऋषभ पंत की टीम में वापसी कर दिया। साथ ही नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित ने शुभमन गिल के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। शुभमन गिल इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने चौथा टेस्ट मैच अकेले दम पर पूरी तरह से संभाला है और पारी को जिताया, इसीलिए एक बार फिर गिल के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी होगी। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। रोहित ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। जडेजा टीम इंडिया के लिए हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं रोहित ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान को रखा हुआ है। उन्होंने अपनी डेब्यू मैच में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया है, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में वो पूरी तरह से खामोश रहे, लेकिन एक बार फिर रोहित पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। वहीं नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को चुना है। जुरेल ने चौथे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, इसीलिए एक बार फिर भरोसा रोहित ने इस खिलाड़ी पर जताया है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की भूमिका निभाने के लिए रोहित ने अश्विन और जडेजा को टीम में रखा हुआ है। ये दोनों खिलाड़ी अपने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी जबरदस्त कमाल दिखा सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका निभाने के लिए रोहित ने जडेजा और अश्विन का साथ देने के लिए चैनमैन गेंदबाज कुलदीप यादव को टीम में रखा हुआ है। कुलदीप ने चौथे टेस्ट मैच में अपनी फिरकी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए रोहित का सबसे अधिक भरोसा कुलदीप पर होने वाला है। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में रोहित ने केवल जसप्रीत बुमराह को टीम में रखा है। अंतिम टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह अकेले तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की भूमिका निभाएंगे। कप्तान रोहित को इन पर सबसे अधिक भरोसा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा ने नई राजनीति के साथ प्लेइंग 11 तैयार कर पूरी टीम बदल दी है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पांचवे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन इस बीच टेस्ट सीरीज की दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट में विवाद पैदा हो चुका है। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 का ऐलान कर दिया, जिसमें कई बड़े खिलाड़ियों को शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ियों के शामिल होने से काफी ज्यादा चर्चा हो रही, लेकिन इस बीच ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद काफी ज्यादा बवाल पैदा हो गया है। और इस दौरान ईशान किशन श्रेयस अय्यर से काफी ज्यादा समय से बीसीसीआई नाराज चल रहा था, जिसके चलते दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वह पूरी तरीके से फिट है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसे अपनी रिपोर्ट के साथ फिटनेस एनसीए के अंदर रहकर टीम की देखरेख में सही करनी होगी। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें ईशान किशन पर काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया, जिसमें उन्होंने ईशान किशन की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया है। इस दौरान बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा
भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रखकर आईपीएल मोड पर जाने होने वाले थे। ऐसे में हमने नियम का ऐलान कर सभी को वार्निंग दी, लेकिन अब ईशान किशन के ऊपर नाइंसाफी का आरोप लगाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। बल्कि हमने तो भारत बनाम इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान ईशान किशन से बातचीत की थी, वो टीम में आना चाहते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमको ध्रुव पर दौ खेलना पड़ा। इस वजह से ईशान किशन को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को तवज्जो देनी छोड़ दी है और आईपीएल की तैयारी में जाना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन ने जो कुछ किया वो सही है या गलत? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बीसीसीआई ने कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है। तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम काट दिया है। इनमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में न होने से काफी ज्यादा बवाल मच गया है। दरअसल बीसीसीआई समय से दोनों से नाराज चल रहा है, क्योंकि दोनों घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उसका कामयाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भुगतना पड़ा है और अब इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस बार साल 2024-25 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नए कई चेहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को वार्षिक वेतन मिलता है। इस लिस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ग्रेड सी में शामिल हो चुके हैं, जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। हालांकि ए प्लस ग्रेड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में चार कैटेगरी है, जिसमें ए प्लस ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं, तो वहीं ग्रेड ए वाले को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड बी वाले को 3 करोड़ और ग्रेड सी वाले को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं। ऐसे में अब की बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन देते हुए टीम में अपनी जगह कायम की थी, परंतु बीसीसीआई से नाराजगी के कारण इन दोनों को अब लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले नियम जारी किया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उस खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसको एनसीए में रहकर अपनी चोट को सही करना पड़ेगा। हालांकि नियम को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस लिस्ट में दोनों को बाहर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब ईशान किशन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के साथ वो मेरे करियर को समाप्त कर देगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रणजी खेलेगा और अपनी मर्जी से आईपीएल खेलूंगा। ऐसे में मुझे जहां जहां पर भी मौका मिलेगा मैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए बीसीसीआई मुझे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने ईशान किशन के साथ गलत किया है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बीसीसीआई ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं।